एसिड और बेस की रिएक्शन के लिए हमने वॉल्यूम की बात की थी कि हमें वॉल्यूम मेजर करते हैं हम, कि ऐसे एक हमने एक बीकर में एसिड ले ली, उसमें बेस डालते गए, और जिस वॉल्यूम पे बेस की जितनी वॉल्यूम पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बेस की वॉल्यूम भी पता चल गई। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स जैसे फिनोस्प्रिन, मिथाइल ऑरेंज। इनसे हमें पता चलता है कि रिएक्शन अब कंप्लीट हो गई है क्योंकि ये प्रॉपर कलर चेंज दिखा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ इंडिकेटर्स हर कलर नहीं दिखा पाते, हर चेंज नहीं दिखा पाते। जैसे मैं बताऊंगा यहाँ पे डबल टाइट्रेशन में हम देखेंगे कि जैसे एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा बेस हैं। NaOH भी हो सकता है, Na2CO3 भी हो सकता है, NaHCO3 भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, कोई दो भी हो सकते हैं। तो मतलब अब ये बताना होगा हमें कि और उसे रिएक्ट करेंगे किसी भी एक एसिड से, तो हमें ये बताना होगा कि कौन सा बेस किस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे इंडिकेटर्स। लेकिन इंडिकेटर्स ये कैसे बता पाएंगे कि यहाँ पे NaOH है, इतना KO है, या फिर इतना NaOH है, या फिर इतना Na2CO3 है, या फिर इतना NaHCO3 है। तीन बेस की हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, NaOH, Na2CO3 और NaHCO3। ठीक है, ये तीनों बेस की बात करते हैं, इनमें से कोई दो भी हो सकते हैं, इनमें से तीनों भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। तो उसको मेजर करने के लिए देखो इंडिकेटर कैसे बताएगा कि हमारे पास NaOH खत्म हो गया और Na2CO3 शुरू हो रहा है, या फिर एसिड को भी ये नहीं पता कि मुझे पहले किससे रिएक्ट करना है, तो एसिड जाएगी वो तो सबसे बराबर तरीके से रिएक्ट करेगी। लेकिन इंडिकेटर कैसे बताए कि यहाँ पे Na2CO3 अब शुरू होगा या फिर अब खत्म होगा, या फिर यहाँ पे Na2CO3 है, ऐसा कोई वो नहीं है हमारे पास सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है फिनोल्फथ्रीन की और मिथाइल ऑरेंज की, उसका फायदा उठाते हैं। क्या प्रॉपर्टी है फिनोल्फथ्रीन की? प्रॉपर्टी है डज नॉट गिव एंड पॉइंट फॉर वीक बेस। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज की क्या प्रॉपर्टी है? इट गिव्स एंड पॉइंट फॉर वीक बेस। ठीक है, अब इनमें वीक बेस है कौन सा उसकी बात करने से पहले ये बताओ कि इनके जो बेसिसिटी है वो कितने हैं, या फिर का एन फैक्टर कितना है? NaOH का पता है सबको 1, Na2CO3 का 2, NaHCO3 का 1, और तीनों एज अ बेस एक्ट करते हैं। ऑल्दो Na2CO3 एक सॉल्ट है लेकिन इट इज अ बेसिक सॉल्ट, NaHCO3 भी एक सॉल्ट है लेकिन इट इज अ बेसिक सॉल्ट। इनकी रिएक्शंस कैसे होती है? NaOH की रिएक्शन तो आप जानते हो कि एसिड तक कैसी होती है, Na2CO3 की कैसी होगी? Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaHCO3 प्लस NaCl। ये क्या हुआ, एक सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करा तो एक सॉल्ट तो बनाया ही पर एक और सॉल्ट बना दिया, और वो सॉल्ट भी कैसा, बेसिक, वो सॉल्ट भी आगे रिएक्ट करेगा एसिड से। इसका मतलब हुआ क्या कि Na2CO3 को दो मॉलिक्यूल चाहिए HCl के, पहला मॉलिक्यूल तो से NaHCO3 में कन्वर्ट करता है और दूसरा मॉलिक्यूल NaHCO3 को प्योर सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल सॉल्ट NaCl बनाता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो Na2CO3 दो स्टेजेस में टाइट्रेट करता है, दो स्टेजेस में न्यूट्रलाइज होता है, पहली स्टेजेस में एक बेस बनाता है और दूसरी स्टेज में उस बेस को न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो दो मॉलिक्यूल HCl के चाहिए होते हैं, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। ये तो क्लियर हो गया। इसी तरह से NaHCO3 का इफेक्टर 1 हो गया क्योंकि डायरेक्टली न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है, NaHCO3 इज वेरी वीक बेस। NaHCO3 जो है वो बहुत वीक बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी सॉल्यूशन में हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और वहां पे इंडिकेटर फिनोल्फ्थ्रीन यूज हो रहा है,
और उस सॉल्यूशन में NaOH भी है, Na2CO3 भी है और NaHCO3 भी है, ठीक है। चलो Na2CO3 को भी भूल जाओ, सिर्फ NaOH है और NaHCO3 है, ये वीक है ये स्ट्रांग है, ठीक है, बस इतनी डिफरेंस है दोनों में। लेकिन फिनोल्फथीन क्या करेगा, फिनोल्फथीन सिर्फ ऐसा करेगा कि एसिड सिर्फ NaOH से रिएक्ट करे, NaOH से रिएक्शन वाली जो एसिड होगी ये सिर्फ वही शो करेगा, ठीक है, मतलब NaHCO3 रिएक्ट नहीं करेगा वहां पे एसिड से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो ये है ना, पहले स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा, वीक बेस की बारी तो बाद में आएगी, तो वहां पे जो फिनोल्फथीन है वो इंडिकेट करेगा सिर्फ NaOH को, NaHCO3 को वो सॉल्यूशन में एसिडिस छोड़ देगा, मतलब एंड पॉइंट दिखा देगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन में NaOH तो खत्म हो गया लेकिन NaHCO3 बचा है, अब हम डालेंगे उसमें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज बताएगा कि कब NaHCO3 भी न्यूट्रलाइज हो चुका, क्लियर। तो ये तो फंडा हुआ कि NaHCO3 और NaOH का डिफरेंस करने की, अब Na2CO3 और NaOH में कैसे करेंगे, देखो जब ध्यान से सोचें अगर, तो NaOH और Na2CO3 दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों इक्वली रिएक्ट करेंगे, दोनों की कंपटीशन होगा, लेकिन Na2CO3 सिर्फ उस पॉइंट तक रिएक्ट कर पाएगा जहां पे सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया है, मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेज तक, फर्स्ट स्टेज के बाद फिनोल्फथीन एंड पॉइंट दिखा देगा, मतलब एंड पॉइंट पहला कब दिखेगा, जब NaOH सारा खत्म हो गया और Na2CO3 सारा का सारा NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन अभी भी बेसिक है लेकिन डिफरेंस क्या है कि आधा का आधी स्टेज कवर हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक NaCO3 के 10 मिली इक्विवेलेंट्स मेरे पास हैं तो 10 में से सिर्फ 5 ही रिएक्ट करेंगे, 5 के लिए मुझे मिथाइल ऑरेंज डालना पड़ेगा, बाकी 5 मिथाइल ऑरेंज शो करेगा, जैसे कि NaHCO3 के लिए था कि NaHCO3 के लिए मिथाइल ऑरेंज की जरूरत पड़ी, जब मिथाइल ऑरेंज आया तो उसने कहा कि हाँ भाई अब एसिड रिएक्ट करेगी, तो एसिड ने NaHCO3 की रिएक्शन करी और फिर पूरी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई। तो इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डबल न्यूट्रलाइजेशन। इस पे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज आपको और क्लियर होगी कि ये सब होता कैसे है। एग्जांपल नंबर 22 देखेंगे, इससे आपको डबल टाइट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। हमारे पास एक मिक्सचर है NaOH एंड Na2CO3 का, वी डिजोल्व दैट मिक्सचर इन 200 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 200 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन एन अननोन कंपोजिशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3। जब हम इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फथीन, तो हमारे पास एंड पॉइंट आ जाता है 17.5 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl3। लेकिन जब हम मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में टाइट्रेट करते हैं, फर्दर यहाँ तक टाइट्रेशन हो चुकी है, अब मैंने उसको कंटिन्यू किया है उसी सॉल्यूशन को, ऐसा नहीं है मैंने फ्रेश सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। जब मैंने वहाँ पे टाइट्रेशन कंटिन्यू की तो वी गॉट 2.5 ml ऑफ HCl वॉज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली टाइट्रेट द रिमेनिंग सॉल्यूशन, रिमेनिंग बेस इन द सॉल्यूशन। तो अब हमें बताना है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इन टर्म्स ऑफ इट्स नॉर्मेलिटी एंड मास परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, डबल टाइट्रेशन के केस में याद रखो कि हमेशा वी हैव टू कंसिडर द कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ मिली इक्वेलेंट्स। सपोज इसके एक्स मिली इक्वेलेंट्स हैं और इसके वाई मिली इक्वेलेंट्स हैं, मिली इक्वेलेंट्स, ठीक है। कभी भी हम नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मास कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे डबल टाइट्रेशन केस में, क्योंकि वो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। हमेशा हम वी विल कंसिडर ओनली मिली इक्वेलेंट्स, एक्स एंड वाई, ठीक है। नाउ फिनाइल, जब फिनोल्फथीन तक रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जब एक्स है तो एक्स तो सारा रिएक्ट करेगा, एक्स मिली इक्वेलेंट जो एस बेस के हैं और वाई वो तो सारे के सारे रिएक्ट करेंगे ना। आप सिर्फ इतना सोचो, फिनोल्फथीन वाला केस लेते हैं, एसिड मिली इक्वेलेंट इक्वल्स टू बेस मिली इक्वेलेंट, ठीक है। एसिड मिली इक्वेलेंट कितने हैं, 17.5 × 0.1 इक्वल्स टू बेस के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, जितने NaOH के हैं प्लस जितने Na2CO3 के हैं। लेकिन Na2CO3 तो सारा रिएक्ट करता नहीं, क्या बात हुई थी, Na2CO3 ऐसे रिएक्ट करता है जैसे इसका एन फैक्टर 1 हो गया हो, यही बात हुई थी ना, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्टेज तक रिएक्ट कर पाता है फिनोल्फथीन की प्रेजेंस में। तो हम क्या करेंगे, इसके मिली इक्विवेलेंट्स आधे कर दें, बात तो वही है ना, या तो इसका एन फैक्टर आधा कर दो या फिर इसके मिली इक्विवेलेंट्स आधे कर देते हैं।
तो इसके y बाई टू मिली इक्विवेलेंट्स डिडक्ट करेंगे, सिर्फ y बाई टू एज इट इज बच जाएंगे। तो NaOH के x क्योंकि NaOH तो पूरा रिएक्ट करेगा, y बाई टू क्योंकि NH2CO3 आधा रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू 1.75, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा अब सेकेंड टाइट्रेशन देखो, मिथाइल वाली, मिथाइल ऑरेंज वाली, इसमें क्या है, कौन रिएक्ट करेगा, ये लॉ तो सेम रहेगी, एसिड के मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू बेस के मिली इक्विवेलेंट, बट एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं यहाँ पे, एसिड के मिली इक्विवेलेंट हैं 2.5 इंटू 0.1 इक्वल्स टू बेस के मिली इक्विवेलेंट कौन से हैं, NaOH तो खत्म हो गया, Na2CO3 की सेकेंड स्टेज वाला पार्ट बचा था, कितना हमने y में से y बाई टू तो यहाँ पे रिएक्ट कर दिया, एंड द रिमेनिंग इज y बाई टू दैट विल गो हेयर, तो y बाई टू इससे रिएक्ट करेगा, सो y इक्वल्स टू 0.25, 0.5 y बिकम्स 0.5 एंड सॉल्विंग x इक्वल्स टू 1.75 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 1.5। तो हमारे पास कॉम्पोजिशन आ गया, वी हैव सक्सेसफुली अचीव द कॉम्पोजिशन, वी हैव x मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, y मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, वी हैव 1.5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH एंड 0.5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इक्वल्स टू कितनी, जो इसके मिली इक्विवेलेंट्स हैं 1.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 200 ml। नाउ आपको शायद ये डाउट हो सकता है कि 200 ml में 100 ml NaOH का होगा या फिर 100 ml Na2CO3 का होगा, या फिर आप शायद ये भी सोच सकते हो कि कुछ पार्ट NaOH का होगा कुछ पार्ट Na2CO3 का होगा, बट नो, यू मस्ट रिमेंबर कि व्हेन वी डिसॉल्व अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन देन इन दैट केस होल ऑफ द सॉल्यूट डिस्पर्स एवरीवेयर, मतलब कि हर जगह सॉल्यूशन में सॉल्यूट फैल जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास इतनी वॉल्यूम इस सॉल्यूट को मिल रही है, इतनी वॉल्यूम इस सॉल्यूट को मिल रही है, नो, होल ऑफ द वॉल्यूम गोज टू बोथ ऑफ देम, और ऑल ऑफ देम जितने भी सॉल्यूट्स होंगे सबको इक्वल वॉल्यूम मिलती है, और इक्वल वॉल्यूम के पार्टीशन नहीं होते हैं, इक्वल वॉल्यूम मतलब होल वॉल्यूम। अगर मैं 10 लीटर में 5 तरह के सॉल्ट डाल रहा हूँ तो पांचों सॉल्ट्स को 10 लीटर वॉल्यूम ही मिलेगी, बिकॉज दैट वॉल्यूम इज जस्ट द वॉल्यूम वेयर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन मूव फ्रीली, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली 10 लीटर ही रहेगी ना जो पूरी वॉल्यूम है, तो इसी केस में 200 ml ही रहेगी। तो देयरफॉर डोंट कंफ्यूज कि ये रेशियो इसी रेशियो में होगी 0.5:1.5 या फिर इक्वल रेशियो की, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, टोटल वॉल्यूम मिलेगी 200 ml इसको मिलेगी, 200 ml इसको मिलेगी, क्लियर। सो नॉर्मैलिटी ऑफ NaOH इतनी हो गई, नॉर्मैलिटी ऑफ Na2CO3 0.5 डिवाइडेड बाय 200, तो दोनों की नॉर्मैलिटी आ गई, क्वेश्चन फिनिश। अब इससे ज़्यादा क्या कर सका हुआ उन्होंने कि मास परसेंटेज निकाल रही हैं, जब वी नो नॉर्मैलिटी, या फिर वी नो जब हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स पता है, मिली इक्विवेलेंट्स पता है, तो हम निकाल सकते हैं इसका मास, मिली इक्विवेलेंट से पता तो यस मास निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके, तो उससे मास परसेंटेज आएगी, ठीक है। तो डबल टाइट्रेशन इस टाइप से होती है कि हमें बस ये ध्यान रखना है कहाँ पे किस एंड पॉइंट तक कौन सा बेस कितना रिएक्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23 जो आपके मॉड्यूल में, ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, वाई बिकॉज इसमें भी डबल टाइट्रेशन देखनी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें Na2CO3 और NaHCO3 उन दोनों को लिया हुआ है, तो जब हम इसे फिनोक्सिल से रिएक्ट कराएंगे पहले, तो फिनोक्सिल से रिएक्ट करते टाइम तक तो सिर्फ Na2CO3 हाफ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और NaHCO3 एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, बट जब मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो Na2CO3 जो हाफ बचा हुआ था वो रिएक्ट करेगा, प्लस जो NaHCO3 कंप्लीट बचा हुआ है वो रिएक्ट करेगा, बस उसमें ये ध्यान रखना है इस, क्योंकि इसमें NaOH तो है नहीं, तो कोई भी बेस फुल रिएक्ट नहीं करेगा कभी भी, बस दूसरे केस में NaHCO3 पूरा रिएक्ट करेगा, और मिथाइल ऑरेंज के केस में जब हम देखेंगे तो NaHCO3 पूरा रिएक्ट कर गया, लेकिन जो हमारे पास Na2CO3 था वो हाफ बचा हुआ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हाफ तो मिथाइल ऑरेंज के टाइम तक रिएक्ट कर चुका था, ठीक है। तो इसमें वो दो क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, वो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल ही है वो। हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे बैक टाइट्रेशन।